एसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एसएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पिछले कई दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने कहा कि जब तक एसएससी उनकी मांगे नहीं मानता वो आंदोलन जारी रखेंगे। आप ये सभी देख रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। राजनेताओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी आंदोलन में छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे आज दिल्ली में एसएससी छात्रों के आंदोलन में हिस्सा लेंगे और आंदोलनकारी छात्रों का हौसला बढ़ाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। केजरीवाल ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी छात्रों से मिले और पीएम के सामने बात रखने का भरोसा दिया।